अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज मैं बहुत ही प्यारा सा आई मेकअप जो है आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल सी आईज मैंने जो है बनाई है, बहुत अच्छी सी है। सबसे पहले जो गाइस हमने जो है वो अपना आईब्रो शेप बनाना है। मैंने दोनों साइड पर हमने जो है वो आउटलाइन बनानी है आईब्रो की। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से जो है मैं बना रही हूँ। हमने आईज पे भी इसी तरह अप्लाई करना है। पहले हमने ऊपर से आईब्रो को ऐसे इस तरह से आउटलाइन बनानी है और फिर नीचे से बनानी है। दोनों साइड से आउटलाइन बनाकर उसके बाद जो है वो हमने फिल करना है पूरा आईब्रो। हम देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ फिल पूरा। इसी तरह से सेम आप लोगों ने भी इसी तरह से ही फिल करना है। जब पूरा आईब्रो हमारा बन जाए तो उसके बाद हमने जो है वो इसके चारों तरफ से जो है ना बेस सेट करके अच्छे से इसको बिल्कुल प्यारा सा अच्छा सा शेप, जैसे ना बेस लगाने से गाइस ये होता है ना कि हमारा कहीं से भी मतलब अगर थोड़ा सा फैल जाता है तो वो बेस लगने से बिल्कुल अच्छा सा बन जाता है अच्छा सा। सो गाइस उसके बाद जो है वो मैंने आईलाइनर शेप बनाया नीचे से, हम देख सकते हैं। और उसके बाद जो है मैंने टेप अप्लाई किया। टेप अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है, उससे हमारी आई का शेप बहुत अच्छा बनता है, कॉर्नर से अच्छा बनता है शेप। उसके बाद जो मैंने वो ऑरेंज शेड जो है वो मैंने कॉर्नर पर अप्लाई किया है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से जो है वो मैंने कॉर्नर पर ऑरेंज शेड जो है वो मैंने अप्लाई किया है। आपने भी सेम इसी तरह से जो है वो स्टेप बाई स्टेप करना है। उसके बाद जो है वो मैंने ब्लू या डार्क ब्लू जो है वो शेड सेंटर में अप्लाई किया है। इसी तरह से आपने भी सेंटर में डार्क ब्लू शेड जो है वो अप्लाई करना है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ। फिंगर से लगाने से गाइस हमारा जो शेड है ना वो अच्छे से ज़्यादा अप्लाई होता है, ब्रश से ज़्यादा हमारी जो है ना फिंगर से शेड जो होता है वो अच्छे से अप्लाई होता है। फिर उसके बाद जो है वो दोबारा से जो है मैंने ब्लू के साइड पर जो है वो मैंने इनर कॉर्नर पर दोबारा से वही वाला ऑरेंज शेड जो है वो वाला अप्लाई करना है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने अप्लाई किया है। दोबारा से जो है वो मैंने ब्लू पर एक और कोट किया है ताकि वो अच्छा सा जो है वो कलर उसका सामने आ जाए। हमने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। हम देख सकते हैं किस तरह मैंने जो है दोनों साइड्स पे इसी तरह से लगाना है। फिर उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा गोल्डन शेड जो है वो मैंने ऊपर की साइड लगाया है, जैसे आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरह लगा रही, इसी तरह से लगाना है। और फिर जो अब दोबारा से जो है वो मैंने फिर दोबारा से अपना शेड जो है उसको बिल्कुल सेट कर दिया अच्छे से। फिर उसके बाद जो है वो मैंने अपने आईब्रो को जो हाईलाइट करना है सिल्वर हाईलाइटर से। तो हमारा जब आईब्रो हाईलाइट हो जाएगा तो फिर इनर कॉर्नर पर भी जो है वो मैंने ऐसे ही हाईलाइट करके हाईलाइटर लगाना है। सेम आपने भी इसी तरह से करना है गाइस। हमारा जो आई मेकअप तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, अब जो है हमने आईलाइनर अप्लाई करना है। सो गाइस इसी तरह से जो हमने जो है वो आईलाइनर अप्लाई करना है जिस तरह मैं कर रही हूँ। टेप हमने अभी रिमूव नहीं करना, जब हमारा आईलाइनर अप्लाई हो जाएगा उसके बाद जो है वो हमने टेप को रिमूव कर देना है, ठीक है। फिर हमारा अच्छा से जो है वो कॉर्नर से शेप जो है वो अच्छा आएगा। टेप हमने जब आईलाइनर हमारा कंप्लीट हो जाए इसके बाद हमने टेप रिमूव करना है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि अब शेप कितना अच्छा है कॉर्नर से मेरा। सो गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। बहुत मेहनत से एक एक वीडियो बनानी पड़ती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।